Bro, video देखना मेरा. It's gonna help you. Trust me. Okay, bye. Bye. एक टाइम पे जब T20 लीग आती थी सबको चाहिए थी मैच की टिकट्स. अब सबको चाहिए फैंटेसी की पिक्स. पिछले दो साल से यू नो आई एंजॉय प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता क्योंकि जब टॉस होता है टीम चेंज होती है. आई एम यूजुअली डूइंग द शो एंड मैं ये भी सोचता था इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ प्लेयर अगर वो अच्छा करे मेरा फायदा होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी सोच लगा रहा हूं ना. अच्छा ना करे तो मेरा नुकसान होना चाहिए. बाकियों से लड़के कंपीट करके क्या फायदा. तब मेरे को मिला Exchange 22 जो कि है स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट. ये चलता कैसे है, हाउ आर यू गोना एंजॉय इट. रिमेंबर दिमाग यहां भी आप ही का लगेगा लेकिन ये वीडियो सब समझाएगा. मेरा काम है आपकी लाइफ थोड़ी आसान करना, इसलिए थोड़े आइडियाज एक्सचेंज कर रहा हूं कैसे आप Exchange 22 पे खेल सकते हैं. लेकिन डोंट गेट मी रॉन्ग, जैसे फैंटेसी में आप दिमाग लगाते हैं दिमाग आपको यहां भी लगाना पड़ेगा. आपकी सोच, आपकी बुद्धि, प्लेयर का फॉर्म कैसा है, मैचअप क्या है, कहां पे मैच खेला जा रहा है, व्हाट्स द ऑपोजिशन लाइक, ये सब सोच विचार करना पड़ेगा. लेकिन यहां पे आपको टीम नहीं बनानी. आप चाहें तो सिर्फ एक प्लेयर का एक स्टॉक लें, ज्यादा स्टॉक लें या ज्यादा प्लेयर्स के स्टॉक्स लें, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. सो इट्स यू वर्सेज योर ब्रेन एंड हाउ द प्लेयर परफॉर्म्स. अब सबसे पहले तो जैसे आप साइन अप करेंगे आपको एक साइन अप बोनस मिलेगा. मतलब योर फर्स्ट गेम टू अंडरस्टैंड दिस कुड बी विदाउट यू इन्वेस्टिंग एनीथिंग. और बिना ट्राई किए किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए. सो ट्राई तो जरूर करना. अब जो भी मैच होने वाला है वो आपको गेम मोड पे दिख जाएगा. वो मैच आपको वहां पे अपकमिंग मैच दिखेगा. सो फॉर एन एग्जांपल साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का जो थर्ड ओडीआई था, अगर मैं वो गेम खेल रहा होता आई वुड प्रेस्ड ऑन दैट. बाय सेल पे जाते, अब बाय सेल पे जाके हर एक प्लेयर के नीचे आपको दो स्टॉक्स दिखेंगे, एक बाय स्टॉक एक सेल स्टॉक. बाय स्टॉक से शुरुआत करते हैं. बाय का स्टॉक उस प्लेयर का लीजिए जो आपको लगता है बहुत अच्छा करने वाला है और जो बाय स्टॉक की वैल्यू है उससे ज्यादा पॉइंट्स देगा. तो क्विंटन डिकॉक का बाय स्टॉक था 70 का. तो अगर आपने 70 का बाय स्टॉक एक लिया होता और क्विंटन डिकॉक आपको 90 पॉइंट्स देते या 100 पॉइंट्स देते तो 70 से ऊपर वही 20 या 30 रुपीज वो आपका प्रॉफिट होता. अगर वो डबल पॉइंट्स देते तो 70 का डबल 140, तो 140 तक वो 70 रुपए तो आपको प्रॉफिट मिलते. लेकिन अगर 150 पॉइंट्स देते या 140 से ज्यादा जितने भी, तो वो डबल से ऊपर का जो मार्जिन है वो कन्वर्ट हो जाता है फैंटेसी कॉइन्स में जो आप इकट्ठे करते रहिए और बाद में जाके यू कैन रिडीम दैट फॉर मर्चेंडाइज फ्रॉम द एक्सचेंज 22 पोर्टल. अब सेल स्टॉक पे आते हैं. लिखा सेल है लेकिन आप उस स्टॉक को बाय ही कर रहे हैं. सेल की जो वैल्यू है वो उन प्लेयर्स पे सेल के स्टॉक्स खरीदिए जो आपको लगता है कि उतने पॉइंट्स ना दे पाए. मतलब अगर सेल वैल्यू 63 है तो आपको लगता है कि ये 63 से कम ही पॉइंट्स देंगे. तो क्विंटन डिकॉक अगर आप सेल लेते तो 63 से जितने कम पॉइंट्स बनाते, जैसे वो 50 पॉइंट्स देते, तो वो 13 रुपए जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाता. लेकिन अगर वो 63 से ज्यादा पॉइंट्स देते, अगर 70 देते, तो 7 रुपए का आपका नुकसान. तो बाय और सेल लिखा है लेकिन आप स्टॉक्स बाय ही करेंगे. बाय उन प्लेयर्स के लिए जो वैल्यू से ज्यादा पॉइंट्स देंगे, सेल उन प्लेयर्स के लिए जो उस सेल स्टॉक की वैल्यू से कम पॉइंट्स देंगे. बहुत सिंपल है. जैसे स्टॉक मार्केट होती है वैसे ये भी चलता है. जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा उसके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, उस पर आप ज्यादा इन्वेस्ट करिए बाय के लिए. जिसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होने की अगर आपकी एनालिसिस है तो फिर उसके सेल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कीजिए. दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स. ज्यादा मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली जानना चाहते हैं कि पॉइंट सिस्टम कैसे चलता है, यू वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन, यू वॉन्ट मोर, तो फिर नीचे एक मोर का ऑप्शन है, उस पर जाइए. पॉइंट सिस्टम में आपको हर एक फॉर्मेट में बैटिंग और बॉलिंग के पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं वो पता चल जाएगा. और उसी के ऊपर एक विनिंग कैलकुलेटर भी है. विनिंग कैलकुलेटर जिनकी मैथ्स टाइट है, जैसे कि वन ऑफ दोज पीपल इज मी, तो वहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं. प्लेयर की वैल्यू, क्या स्टॉक लिया था, उसके कितने पॉइंट्स हुए और आपकी अर्निंग्स, आपकी जो विन है वो कितनी है. दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ इट. ये सबसे बेसिक फंडा है एक्सचेंज 22 पे खेलने का. टीम नहीं बनानी, ज्यादा टाइम टीम में मैच से पहले, एक्चुअली मैच से पहले टॉस के बाद एक लाइव ट्रेडिंग भी शुरू होती है. सो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बाद में बताऊंगा. फॉर नाउ आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आई सी यू ऑन एक्सचेंज 22. क्योंकि मैं इस पूरी T20 लीग में अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे रोज अपनी थोड़ी सोच विचार जो है उसको पेश करूंगा. सो इनकेस आपकी सोच मेल खाती है, ये मेरे सजेशन नहीं है, वो सिर्फ मेरी सोच होगी जो मैं शेयर करूंगा. यू कैन यू नो सॉर्ट ऑफ जस्ट एक्सचेंज सम आइडियाज विद मी एंड देन विद योर ओन डिसीजन इन्वेस्ट इफ यू लाइक. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो क्योंकि अभी तो T20 लीग शुरू होने वाली है. अभी तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, मेन प्लेऑफ्स और फाइनल वो बाकी है.